से कराएंगे बेटा? विस्मिक। ठीक है, विस्मिक ग्रामर का टॉपिक है, बहुत इजी है, राइट? इंटरजेक्शन जिन दो से इंग्लिश में कराने हो, ठीक है? विस्मिक, क्लियर? पहला आप यदि डेफिनेशन लिखांगे, ठीक है, इन दूसरी अपनी फेयर कॉपी थे एज इट इज ही कर लियो, बाद में आप टेबल बनावांगे, ठीक है, उस तो बाद में असि असाइनमेंट करांगे और बुक दी बैक एक्सरसाइज जे सानू टाइम मिल जा ता, राइट? सो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन। विस्मिक हुंदे की है? पहला ता जदों असि अपने मन दे भावां नू, अपने मन दे एक्सप्रेशन थ्रू खुशी दे राही, गमी दे राही, ठीक है, इन्हां सारियां चीजां राही असीं बयान करते हाँ, राइट? जिस तरह मान लो कि तुहानूं कोई चीज बहुत ज्यादा सोहनी लगती है, तुसीं आपां बोलदे ना वाह किन्ना सोहना फुल है ना, आपां तुसीं वाओ बोलदे हो ना पंजाबी, तुसीं बोलदे वाह, जे तुसीं हैरानी वाले करदे हो तो तुसीं कहिंदे हो है ये किदां हो गया, राइट? फिर तुहाडे एक्सप्रेशन जिथों दी नजर आउंदे ने उहनूं आपां कहिंदे हाँ विस्मिक। सो डेफिनेशन लिखो, खुशी गमी हैरानी खुशी गमी हैरानी आदि दे भावां नूं, खुशी गमी हैरानी आदि दे भावां नूं प्रगटाउण वेले प्रगटाउण वेले सुभाविक ही मूह विचों निकले शब्द विस्मिक हुंदे ने, ठीक है? विस्मिक हुंदे हन, क्लियर है? सहज स्वभाविक ही मतलब क्योंकि तुहाडे मुंह दे विचों दी फटाफट निकल जांदा है, जे तुहानूं कोई चीज सोहणी लगदी है तो तुसीं वाह जल्दी जल्दी अपने आप ही मुंह चो निकलदा, उहनूं आपां कहिंदे हां सहज स्वभाविक ही, ठीक है? ते उहनां नूं आपां की कहिंदे हां विस्मिक कहिंदे हां। जो भी तुसीं अपने एक्सप्रेशन से चाहे तुहाडी खुशी दे ने गमी दे ने या किसे नूं बुलाउण दे लई तुसीं कोई भी एक्सप्रेशन दिंदे हो, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਾਸਮ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਇੱਧਰ ਆ ਕਾਸਮ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਿਸਮਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਲਾਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 8th ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 8th ਵਿੱਚ 13 ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਲਾਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸਮਿਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਵਿਸਮਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਾਮੇਟਰੀ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ, ਓਕੇ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਡਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 3 ਕਾਲਮਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ,
सेकंड विच लिखो, सॉरी पहला लिखो तुसी किस्मा, फर्स्ट कॉलम किस्मा, सेकंड परिभाषा, थर्ड उदाहरण। ठीक है, किस्मा परिभाषा ते उदाहरण जेड़ा विस्मिक है, ये है नौ तरह का, नौ टाइप्स ने दिया। सो फर्स्ट टाइप लिखो, फर्स्ट टाइप संबोधनी विस्मिक, आगे पीछे तुसी लिख सकते हो टाइप्स नु। ठीक है, संबोधनी विस्मिक, राइट। हुण असी परिभाषा दे विच आपां फुल फ्लेज्ड परिभाषा नहीं लिखनी, जस्ट एक लाइन। ठीक है, संबोधनी, संबोधनी की हुंदा, असी किसी नु संबोधन कर रहे हाँ, किसी नु बुला रहे हो। हुण जे मैं तुहाडे नाल गल कर रही हाँ, अशप्रीत, रमनीक, दिया, है ना, बाकी बच्चे नाल गल कर रही हाँ, जिस तरह वेट, तितिक्षा, बेटा थोड़ा हुण पीरियड नहीं है, तुसी अपने पीरियड विच जाओ। ठीक है, तितिक्षा 9th D, वेट बच्चे, ठीक ओके। ठीक है, संबोधनी जिदा आप किसी नु बुलाने हाँ, नी कुड़िए, वे मुंडिया, इधर सुन। ठीक है, एदी डेफिनेशन लिखो कि किसी नु बुलाने लिए वरते जान, जो किसी नु बुलाने लिए वरते जान। ठीक है, किसे नु बुलाने लिए वरते जान, फॉर एग्जाम्पल वे मुंडिया, एक्सक्लेमेटरी साइन, नाले भी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नी कुड़िए, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, और भी काफी हो सकते ने, जिस तरह थोड़ी बुक विच लिखा होया, अड़िया, ओए ओए इधर आ। ठीक है, कई बार आप बोल देने हाँ, राइट, ऐसा नहीं, बट तुसी नाल एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना ही लगाना है। ठीक है, फर्स्ट क्लियर। जिस समय मैं थोनों इदी एग्जांपल देनी हाँ, लिखनी नहीं है, जस्ट पहले सुन लो, लिखांगे आप बाद विच जो दोस्ती असाइनमेंट करांगे। जिस तरह मैं कहा कि नी कुड़िए इधर आ, चुनो ते किसम। ठीक है, नी कुड़िए इधर आ, फिर असी किनू अंडरलाइन करांगे, नी कुड़िए नू। बहुत इजी है बेटा, इनू चुनना ते किसम दसनी किदा, एक्सक्लेमेटरी साइन तो पहला दा जेड़ा भी वर्ड होएगा वो तुहाडा चुनना होएगा, चुनना ते हो गया, सिर्फ तुसी किसम लर्न करनी है कि वो किसम केड़ी होएगी। ठीक है ना, चुनना ते इजी हो गया, किसम सुननी है कि जब असि किसी ने संबोधन करते हाँ, किसी ने बुलाने हाँ, दैट मीन संबोधनी विस्मिक। सेकेंड प्रशंसावाचक विस्मिक, प्रशंसा की असि जो किसी की तारीफ करते हाँ। ठीक है, किसी की जो खुशी दे भावा प्रगट करन, उन्होंने आप की कहने हाँ, जिदा तुसी बहुत ज्यादा खुश होंगे हो। ठीक है, खुशी विच तुसी की करते हो, अगले दी तारीफ करते हो, वेरी गुड, वाओ, एक्सीलेंट, बहुत वधिया, शाबाश, है ना। या आपा खुशी दे भाव प्रगट करते हाँ, प्रशंसा विच ये भी तो होंगे कि तुसी अपने आप की भी तारीफ करते हो ना, जरूर थोड़ी तुसी दूसरे की तारीफ करनी है, अपने आप की भी तारीफ करी दी होंगी है। ठीक है, ओके, जिस तरह कह दो कि बल्ले बल्ले मैं पास हो गया, है ना, बल्ले बल्ले मैं फर्स्ट आया, राइट, तुसी अपनी भी तारीफ की, तुसी मतलब अपने खुशी दे भावों प्रगट किया, कि ना वर्ड्स राही उन्होंने आप कहने प्रशंसावाचक।
सो डेफिनेशन लिखो, मन दी खुशी या प्रशंसा दे भाव प्रगट करना। ठीक है, ओके। मन दी खुशी या प्रशंसा दे भाव प्रगट करना आप कहने हाँ, प्रशंसा वाचक विस्मिक, राइट, प्रशंसा वाचक विस्मिक। फॉर एग्जाम्पल, बल्ले बल्ले आहा, ठीक है, बल्ले बल्ले आहा, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, उन जे मैं कहा कि सेकंड वाली लो, आहा यह फुल कितना सोना है, तुसी अपनी खुशी दे तुसी तारीफ की फुल दी, ठीक है, कि फुल कितना सोना है, आहा फुल कितना सोना है। तो अंडरलाइन तुसी किनू करोगे, आहा नू और नाल विस्मिक चिन्ह नू अंडरलाइन करोगे। पता होना चाहिए है कि आप इतने किसी की तारीफ कर रहे हाँ, किसी की प्रशंसा कर रहे हाँ, चाहे वह लिविंग थिंग है चाहे वह नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, इतने लिविंग थिंग नहीं आप देखना, उन्होंने आप कहे प्रशंसा वाचक विस्मिक। दो क्लियर है बच्चा, किसी नु कोई डाउट हो तो मैंने पूछ लियो जरूर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, मैं ऊपर वाला इरेज करन लगी हां। ठीक है, मैं थर्ड इतने लिखांगी बिकॉज नहीं थानू विजिबल होएगा। थर्ड लिखो, शोक वाचक विस्मक। शोक वाचक विस्मिक, ठीक है। और शोक की हुंदा है दुख, शोक प्रगट करते हाँ आप। ठीक है, मतलब जो असी मन दी गमी दे भाव नू प्रगट करना है, प्रशंसा विच आपा मन दी खुशी दे भाव नू प्रगट किया, हुण आपा मन दी गमी नू प्रगट करना है। हुण मान लो कि कोई फेल हो गया, तुसी ये थोड़े कहोगे कि बल्ले बल्ले तू फेल हो गया, कहोगे नहीं कहोगे, है ना, तुसी कहोगे बड़ा दुख होया तुसी फेल हो गए, है ना, मेनू अफसोस है। मान लो कि कोई किसी का सपोज एक्सीडेंट हो गया, है ना, ते तुसी की कहोगे अफसोस, राइट, वो अफसोस शोक वाचक। ठीक है, या कह दो कि हाय रब्बा दुए की किता, है ना, फिर आप मन की गमी के भावों प्रगट कर रहे हैं। मतलब सानू जिस तरह की मान लो कि तुहाडे सपोज तुसी क्या सीगा कि मेरे 95% आए, तुहाडे ओने आए नहीं, तुसी बहुत मेहनत की, तुहाडे 90% आए, तुसी कहने हो ना हाय रब्बा, या कोई कह रहा है कि हे परमात्मा। ठीक है, वो सारे तुसी अपने मन की गमी नू प्रगट करते हो। तो डेफिनेशन लिखो, मन की गमी नू मन की गमी नू प्रगट करने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल, हाय उफ, हाय रब्बा, पल्ला हाय भी हो सकता है, या हाय दे नाल कोई भी जिस तरह हाय माँ बोल दिने हाँ, ठीक है, हाय रब्बा बोल दिने हाँ, ये भी आ सकता है, या उफ, ठीक है, उफ भी आ सकता है। ओके, ये हो गए शोक वाचक, जिस तरह उफ ए ता बहुत माड़ा एक्सीडेंट होया ना, तुसी अगले नाल गमी दे भावां नू प्रगट कर रहे हो। एदे विच भी असी अपने लिए भी लै सकते हाँ, असी दूसरे परसन लिए भी लै सकते हाँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि दूसरे परसन लिए ही लैना, जिस तरह आप प्रशंसा अपनी भी की दूसरे की भी करनी, ये दोनों साइड से चलता है। ठीक है, अपने लिए भी दूसरे लिए भी। थर्ड क्लियर, नेक्स्ट फोर्थ, फिटकार वाचक विस्मिक। फिटकार वाचक विस्मिक, उन फिटकार वाचक की है, जिस तरह मान लो कि आपा कह दिता कि बहुत बारी इधर ही कई गल्ला बोलते हैं, जो सानू किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुंदा ना,
ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਟਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਟੌਂਟ, ਟੌਂਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਟੌਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟਿੰਗ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਟਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜੋ ਫਿਟਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਫੋਰ ਐਗਜਾਂਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੌਂਟਿੰਗ ਮਾਰੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਟਿਪੀਕਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਟੌਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਟਿਪੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਫੋਰ ਐਗਜਾਂਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਫਿਫਥ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਡਨ। ਫਿਫਥ ਲਿਖੋ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਚਕ ਵਿਸਮਿਕ, ਕੌਣ ਹੈਰਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ 40% ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 70-80% ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਮਿਲੀ, ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਨੀ ਆਪਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਚ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਨਿਕਲ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਗਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ,
ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਜਾਂ ਵਾਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ठीक है नोट कर लो नेक्स्ट सिक्स सकार वाचक विस्मिक सकार वाचक विस्मिक रिस्पेक्ट देनी हूं आपा किसी नु ठीक है हूं जदों तुहाडे घर कोई आंदा आ तुसी उन्हों इदा कहंदे हो कि नहीं जी तुसी वापस चल जाओ नहीं ना आपा की कहने हाँ वेलकम मोस्ट वेलकम है ना थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा निग्गा स्वागत है ठीक है इनू आपा आदर भी ले सकते हो बेटा ठीक है फॉर एग्जाम्पल थानू एमसीक्यूज आंदे हैं तो उहदे विच सत्कार वर्ड ना हो तो उहदियां टाइप्स होन तो उत्थे आदर लिखा हो भी मतलब सत्कार ही है ब्रैकेट विच आदर भी कर सकते हो तुसी ठीक है आदर या सत्कार वाचक जेडे किसे लई सत्कार दे भाव प्रगट करन सत्कार दे भाव प्रगट करन नू ठीक है सत्कार दे भाव प्रगट करन उन्हां नू आपां की कहने हां सत्कार वाचक जिस तरह धन भाग आपां कह रहे ने ना मेरी तां खुशकिस्मती है जो तुसी साडे घर आए हो है ना या जी आया नू कहंदे हो या आओ जी कहंदे हो ठीक है एग्जाम्पल्स लिख लो धन भाग जी आया नू या आओ जी ठीक है देन नेक्स्ट सेवंथ असीस वाचक विस्मक असीस असीस की हुंदा है ब्लेसिंग्स देनिया ठीक है तुहानू कोई ब्लेसिंग्स दिंदा है तो तुसी कोई सुनदे ना जिस तरह तुहानू तां आपां कह दित्ता कि चलो गॉड ब्लेस यू है ना ऐदां आपां बोल दिंदे हां ओह हो गई ब्लेसिंग्स इंग्लिश विच ते आपां अपनी लैंग्वेज विच किद्दां बोलदे हां जींदे रहो जवानियां माणो जुग जुग जियो तो तुसी अपने घर दे वड्डियां नू कई वारी सुनिया होवे ओह की बोलदे हुंदे दूदो फलो फुलो ठीक है ओह वी दिंदे हन होर की दिंदे हन जिस तरह जींदे रहो रब तुहाडी लंबी उमर करे ये सारियां ब्लेसिंग्स ने ठीक है ओहदे लई इह भाव प्रगट कीते जांदे ने डेफिनेशन लिखो जो किसी की असीस या आशीर्वाद दे भाव प्रगट करन ठीक है जो असीस या आशीर्वाद दे भाव प्रगट करन इत्थे इत्थे बेटा प्रगट लिख लियो प्रगट मिस हो गया ठीक है ठीक है भाव प्रगट करन जिवें जीउंदे रहो जीउंदे रहो जवानियां माणो भी हो सकता है जुग जुग जियो भी हो सकता है ठीक है जुग जुग जियो ठीक है या रब थोड़ा भला करे या परमात्मा भला करे राइट ये सारे उहदे विच आ सकदे ने हुण जो तुहाडे घर कोई आंदा है ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ राइट थर्ड फोर्थ कर देवा इरेज थर्ड फोर्थ ओके
नेक्स्ट लिखो इच्छा वाचक विस्मय नंबर एट, इच्छा वाचक विस्मय और इच्छा थोड़ी मान लो कि थोड़ी कोई काम करने की इच्छा सी है ना, और मान लो कि कोई बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनना चाहता है ना, इस तरह कहते काश मैं डॉक्टर हुंदा, जा जिस तरह मान लो कि कोई कोई है कवि है उन्हें कुछ और बनना सी, काश ठीक है थोड़ी इच्छा है राइट किसी चीज नु करन दी, या हे मालका वो भी तो थोड़ी इच्छा ही है, हे प्रभु सब दा भला करी थोड़ी इच्छा है कि सब दी भला किता जा सके है ना थोड़ी दिली इच्छा राइट, या आपा कह रहे हाँ हे दाता मेरे ते मेहर करी थोड़ी इच्छा की है, थोड़े दिल की इच्छा की है परमात्मा थोड़े ते मेहर करे ठीक है, ये सारे इच्छा वाचक। एग्जाम्पल लिखो मन की इच्छा दे भाव प्रगट करन, इतने सारे अगे मन मन ही आना क्योंकि ये सारिया साड़िया मन दिया ही फीलिंग्स हुंदिया ने ठीक है, मन दिया फीलिंग्स वर्ड्स राही बाहर आंदियां ने, मन की इच्छा इच्छा दे भाव प्रगट करन। मन की इच्छा दे भाव प्रगट करन जिमें कि काश हे परमात्मा या हे प्रभु ठीक है, ये सारे की ने इच्छा वाचक। क्लियर लास्ट सूचना वाचक विस्मय, सूचना वाचक विस्मय सूचना मतलब ये दूसरी सूचना नहीं कि तुसी एक दूसरे नो सूचना मतलब के कुछ बोल रहे हो या इनफॉरमेशन दे रहे हो ये वो वाली नहीं, इतने सूचना की है सावधान तुसी किसे नो अलर्ट रहन लई कह रहे हो, हुण मान लो कि अगे टोआ होवे है ना तुसी जा रहे हो रोड ते जा रहे हो अगे टोआ होवे ते जेनू किसे नो पता आ टोआ हैगा आ कोई तो भला इंसान तो कह दूगा कि अगे टोआ आ, हुण जिन्हें तुहानू डगाणा उन्हें थोड़ी कहना अगे टोआ, उन्हें तो कहना डिग जा जाके ठीक है, हुण उन्हें कहना कि सावधान या ठहरो, हुण जिस तरह रोड उत्ते सेफ्टी साइंस लगे होंगे ने है ना, रोड सेफ्टी साइन लगे होंगे ने वो भी एक तरह ना वो चाहे मूहो नहीं बोलते नॉन वर्बली सानू सावधान तो करते ना सानू सुचेत करते हैं है ना अलर्ट करते हैं, जिहड़े वर्ड सानू अलर्ट करते जिस तरह आप कहने ने खबरदार, हुण मान लो कि मैं जे तुसी कुछ पढ़ाते पढ़ाते तुसी कुछ होर कर रहे हो है ना पढ़ नहीं रहे हो तो मैं कहूंगी कि खबरदार तुसी पढ़ना है ना, नहीं तो तुसी क्लास लीव कर सकते हो, तुहानू मैं एक तरह ना सुचेत कर रही हाँ अलर्ट कर रही हाँ ठीक है, उन्होंने आप कहने हाँ सूचना वाचक, जिमें जो सुचेत या सूचना देने लई वरते जान ठीक है, जो सुचेत सुचेत मीन्स अलर्ट या जो सुचेत हो या सूचना देने लई वरते जान ठीक है, जिमें खबरदार सावधान ठीक है, देखी जरा आप कहने ना देखी जरा एक काम ध्यान नाल करी राइट, देखी जरा ठीक है, और की हो सकता बच के जिस तरह थोड़े पेरेंट्स भी कई बार मान लो कि तुसी बाहर निकलते हो तो वह कहते हो कि बेटा बच के जायो ठीक है, अगे कोई भी ट्रैफिक हो सकती है या कोई होर नुकसान हो सकता है, ये सारे सूचना वाचक। क्लियर बेटा नोट डाउन कर लो इन्हों कॉपी उत्ते, अज सिर्फ आप इन्ना ही करा, नैक्सट जो सा पीरियड लगेगा आप असाइनमेंट करा ठीक है, डन किसी कोई ना समझ लगा होगा तो मैंने पूछ लियो, वैसे बहुत ईजी ने यह नाम के नाल ही स्पष्ट हो जाता है ठीक है सारा। लवलीना
लवलीना पहला अपनी वीडियो स्टार्ट करा करो, फिर बोलिया करो। हाँ जी मैम, फिटकार वाचक विस्मय एक बार एक्सप्लेन कर दो। फिटकार बेटा किसी नो टॉन्टिंग मारनी, अब तुसी किसी नो टॉन्ट मार दे हो, ते तुसी किता मार दे हो, फिटे मुंह बेशर्मा, है ना। जो मान लो कि कोई किसी ने काम नहीं किया, आप कहने कि बेशर्मा तेनो जरा जिन्नी अक्ल नहीं, तू ये काम क्यों कर रहा है, ठीक है, वो वाले सारे। ओके तिक्षा बेटा मैं थानू क्या सी, थोड़ी क्लास नहीं है, मैं दो तीन बारी थानू क्या सी, थोड़ी क्लास लग रही है उधर थोड़े मैम के नाल। अच्छा बोलो, चलो की बोलना है दसो। तिक्षा मैम, मैम मेरी क्लास विच लीव हो गई सी, ते मैं पूछना सी फोर्थ फिफ्थ ते सिक्स्थ फिर तो रिपीट कर दो। फोर्थ केड़ा सी बोलोगे, फिटकार वाचक, ठीक है। फिटकार की हुंदा किसी नु टॉन्ट मारनी, जिस तरह आपा किसी नु कोई बंदा तुहाडी गल नहीं सुनदा, आपा कह रहे ने हां कि बेशर्मा या लख लानत, है ना, आपा इदा बोलदे ना, ठीक है, ओनु आपा बोलदे हां। फिफ्थ आपा बोलदे हां हैरानी वाचक, हैरानी मतलब तुसी हैरान हुंदे हो, हुण मैं हैरान होई तुसी मेरी क्लास च आए हैं, तितिष्का इत्थे, ठीक है, तितिष्का अपनी क्लास नहीं लगा रही, राइट, हैरान हो गए, मेरे बच्चे भी सारे हैरान हो गए, राइट, ओ आपा कहने हैरानी वाचक, या कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तुसी कोई चीज ओ हो जाती है, या ठीक है जिस तरह है मेरे इन्हें नंबर आ गए, ठीक है, राइट, एदा भी। और सिक्स तुसी कह रहे हो सत्कार वाचक या आदर भी, इन आप लिख सकते हाँ। सत्कार हुंदा असी किसी नू रिस्पेक्ट देनी है जो कोई तुहाडे घर आंदा है, ठीक है, जिस तरह आप कहने हाँ सत्कार दे विच धन पाग या जी आया नू, है ना, या तुसी साडे घर आए, साडा घर सफल होया, मेरा दिन सफल होया, इस तरह भी, ठीक है। और किसी नू कोई डाउट होए तो पूछ लो। क्लियर है जी? ओके, इनू नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है।